हम रउआ से एक और झूठ बोलने बानी। इमे नया बात का बा, झूठ बोलल तो तुहार फितरत बा ना। रउआ वो अंकुर याद बा, हमारे बचपन के दोस्त। वो हमारे बचपन के दोस्त नहीं थे, आज से कुछ दिन पहले तो हम ओके जानत भी ना रहनी। वो सिंदूरी से जुड़ल बा, सिंदूरी के जाने वाला बा। हमार ना, हम जब बाराबंकी जात रहनी और रउआ जाए से मना कर देले रहनी, हम के रास्ता में अंकुर मिलल और वो ही बतौलस। हमार माँ के कत्ल के इकलौता गवाह बिया और पिछला 8 महीना से वो कोमा में रहल। सिंदूरी के यादाश्त वापस आयल बहुत जरूरी बा, ना तो हमार माँ के कातिलन के उनकर सजा ना मिली। सिंदूरी के यादाश्त वापस आ चुकल बा, कहे कि कल वो अचानक से हमसे कहलस कि यदि वो हमके हमार माँ के कातिल के नाम बता दी तो हम ओके छोड़ब ना। ओके सब बात हम रवा के तभी बतावे के चाहत रहनी, बाकी नागपंचमी की वजह से ना बता पाऊनी। हमके लागल रवा रवा हमार बात पर विश्वास ना होके, हमके लागल के रवा सोचब कि नागपंचमी के चुनौती से बचे खातिर हम झूठ कहानी बनावत बानी। बाकी अब बात बिल्कुल बिगड़ चुकल बा, बात हमार रिश्ता के बा, हमार परिवार के बा। और एगो बात और, अंकुर और सिंदूरी के संगे ये सब में हमने के परिवार के भी कोनो सदस्य जुड़ेल बा। के प्रताप सर। हाँ हम जानत बानी रवा की उनका नाम सुन के अजीब लगी, बाकी सच बा हम अपना आँख से देख ले बानी। प्रताप सर और सिंदूरी के बीच कुछ इशारा होखत और रवा गौर ना कहनी सिंदूरी के हर बात पर प्रताप सर उकर पक्ष ले ले और केहू के कुछ ना सुने ले। कुछ तब बाज की अंकुर सिंदूरी और प्रताप सर के जोड़ ले बा। हम तोहार भरोसा कहे करी, हो सकेला तोहरा उसे बात करे के हो के ऐसे तो ये सब कहानी बनाओ तड़ो। रवि सोचे यदि हम कहानी बनाई भी तो प्रताप सर के नाम ले। हम जानन बानी और राव और भाई बाड़े रहुआ उनकर ए तरीका से नाम लेहल बिल्कुल बर्दाश्त ना करब। हमरा के तोहरा पर तनको भरोसा नहीं खे। एक बार भरोसा करके देखी। हमरा कुछ पता नहीं खे करे के, निकला यहां से आउट। इज्जत से निकल जाना तो बेइज्जती करल हमरा भी आवेला। आउट। देवी स्वर्ण रेखा, अपन त्रुटि के सुधारे के सबसे श्रेष्ठ मार्ग प्रायश्चित होखेला जौन के रवा कैले बानी। अब रवा निर्मलता के अनुभव कर रहल होखब, हमरा और सेवा से प्रसन्न भईनी। अब रवा मुक्त बानी। ए बीच यदि हमसे कोनो भी भूल भईल त हमके क्षमा कर दी देवी, कहे कि हम देवलोक के नियम के पालन करत रहनी। गौ माता, हमरा और ए दशा से अवगत बानी। अब जे मुक्ति मिल ही गईल बा त देवी संतोषी रउआ तैयार हो जाई। ए बार ऐसन प्रहार करब जे राउर कल्पना से परे होखी। बताई रउआ हमके यहाँ अचानक से काहे बुलावनी? रउआ का दोबारा से हमके उ सब बात बता सकेनी सिंदूरी के बारे में जौन रउआ हमके बतौले रहनी। ओके कैसे जानेनी, कब मिलनी, कहाँ मिलनी, कैसे मिलनी, उ सब छोट छोट बात जौन रउआ हमके बतौले रहनी। बहुत सारा बात दिमाग से निकल गईल बा, यही से हमके दोबारा जानल जरूरी बा। ऐसे हमके सिंदूरी के बारे में पता करे में कुछ मदद मिल जाए शायद। ठीक बा, हम रुआ के शुरू से सुनाओत बनी। सर सिंदूरी भाग गईल बिया सर, बाकी ओकर याददाश्त चल गईल बा सर। सिंदूरी सिंदूरी, डाल दे ई फोन पानी में, फिर ना तो के ई कब्बो पता ना चली कि तोर माँ के कातिल के बा।
भले ही हम संतोषी से नाराज बनी बकी, संतोषी दिल के बुरा नहीं थी, पर प्रताप भैया के बारे में जौन कुछ कहले बाड़ी हो, हम भी नोटिस कहले बानी। संतोषी, हमरा थोड़ा से कुछ बात करे के बा। जी। देखा, वो हम तोहरा से बात ऐसे करता नहीं कि हमरा के तोहर बात सही लागत। हम भी महसूस के लिए बानी कि प्रताप भैया के कोनो न कोनो कनेक्शन बा। बाकी ये बात ध्यान में रखिया कि हम अभी तोहरा माफ नहीं के लिए बानी। माफ तब कर दे जब राउर दिल करी। फिलहाल सिंदूरी अंकुर और प्रताप सर के बीच जो उलझन कड़ी बा ओके सुलझाई, और ये काम हमनी दोनों मिलके बहुत आसानी से कर सकेनी। ठीक बा। अच्छा ये बतावा का प्रताप भैया के पता बा सिंदूरी और अंकुर के कनेक्शन के बारे में? पता ना, हमके लागत बाकी प्रताप सर कोनो कोनो दबाव में आके ये काम करत होखी, हो सकेला सिंदूरी कोनो बात खातिर उनके मजबूर करत होखे और मजबूरी में करत होखे। सच का बाई तो सिंदूरी या प्रताप सर ही बता पाई हैं। बाकी हम इतना दावा के साथ कह सके नहीं कि कुछ तब बा जाऊं प्रताप सर सिंदूरी और अंकुर के जोड़ ले बा। तू सही कहता रो, बाकी पता ना कहें अभी भी हमरा तोरा पर भरोसा नहीं खे। रवा हमके बस बस एक दिन के समय दी, फिर रवा हमरा कोनो बात पर शक ना होगी। अब तो रवा हमारे बात पर यकीन हो गए ना? अंकुर जी हमके माफ करब, हमके ये सब करे के पड़ल। वो का बाकी हमार पति सब बात बस रवा जुबान से सुने के चाहत रहले, ऐसे ही बताई रवा ये सब कहे जानल चाहत रहनी ताकि हम तुहार मदद कर सके और वो सिंदूरी ओकरा से छुटकारा मिल जाए हमने। और पता बा अंकुर जी, हमने के लागत बाकी धैर्य सर के बड़ा भाई प्रताप सर वो कहीं ना कहीं से सिंदूरी से जुड़ल लागे ले। शायद सिंदूरी के कोनो दबाव में बाड़े, यहीं से कुछ बतावे ले ना, बाकी कुछ बा अजीब सा। बाकी रहुआ इतना भरोसा के सके कैसे कह सके नहीं? कहे से कि सिंदूरी के उहे लेके आयल रहलन घर में, ओकरा बाद जब से सिंदूरी हमनी के घर में आयल बाड़ी उनकर कुछ हाव भाव बदल गए, और जब भी सिंदूरी के घर से निकाले के बात होकेला वो मना कर देवलन, मुकर जालन और डिफेंसिव हो जालन, तेरी पजेसिव हो जालन सिंदूरी के लेके। बाकी ऐसा कहे ये तो पता करे के बा, हो सकेला उनके सब पता होके या हो सकेला उनके कुछ भी पता ना होके, हमने के ही गलत फहमी हो रहा होके। बाकी सब जाने में हमने के राउर मदद चाहिए। देखिए ये भी हो सकेला कि भैया राउर माँ के बारे में कुछ जाना था, तो यही से हमरा लागेला रउआ के एक बार उनसे मिले के चाहिए। हाँ। और देखिए ना सिंदूरी तो राउर मदद कर नहीं के रहा, जबकि वो कर सकेले उके सब बात बता बा, बस उके बतावे के बा। बाकी शायद वो राउर मदद करे के नहीं खिचाहत, ऐसे हमने के लागत बार रवा प्रताप सर से एक बार मिले के चाहिए, शायद वो मदद कर दे। हमार भी है रिक्वेस्ट बाकी रवा हमारे घर आए और भैया से कुछ बात करें। हम रवा भाई से मिल तले, बाकी सब इतना आसानी से ना होगी। यदि हम उनका लगे डायरेक्ट जाए ना तो शायद वो हमसे बात भी ना करस। एकरा खातिर हमरा लगे एगो आइडिया बा, हमारे को छोटा सा कंपनी बा, तू ओकरा के ज्वाइन कीला। यही बाने हमरा घर में एगो कमरा बा, वो हम तोरा के दे दे अपन ऑफिस खातिर। इससे दो फायदा होगी, एक तो रउआ सिंदूरी पर नजर रख सके नहीं, और साथे साथे भैया के साथ जान पहचान हो जाए तो मौका मिलते ही रउआ उनसे बात कर ले। ये सब तो ठीक बा, बाकी हमनी के बाजी उल्टा पड़ गिल था और सिंदूरी घर से भाग गिल था, हमार माँ के कत्ल के इकलौता गवाह भी आऊ। ऐसा कुछ भी ना होगी, कहे कि सिंदूरी धैर्य सर के बहुत पसंद करेले, वो घर में बड़ा से बड़ा खेल खेली, बाकी घर छोड़ के कहीं ना जाए, ये पक्का बात बा। ठीक बा, राउर भरोसा पे भरोसा करके हम ही कदम उठा ले, यदि हमरा वजह से रउआ लोग के प्रॉब्लम सॉल्व होखत बा तो हम मना कैसे कर सके नहीं। धन्यवाद। थैंक यू माँ राउर, बहुत बहुत धन्यवाद हमके रास्ता दिखावे खातिर।
हमार बंधु, हमार वाणी रउआ तक पहुंच रहल बाना। हाँ, सुन रहल बानी हम। ए सबसे हमके उत्तर प्राप्त हो रहल बा, अर्थात हमार वाणी उनका तक पहुंच रहल बा। कहीं देवी स्वर्ण रेखा, आज से ठीक 20 दिन बाद हम आपन अभियान प्रारंभ करब। रहुआ सब तैयार बानी ना? अब देखत बानी कि देवता धरती लोक के रक्षा करत बाड़े या स्वयं देव लोक के। ए रुक, का भाई तोर ई प्लान तो फ्लॉप हो गई। देख हम नहीं की जानत कैसे, बाकी तो के हमार शादी हीरो से करवावे के होखी। देखा सिंदूरी, वो तोहरा से शादी नहीं के कैल चाहत, और कितना दबाव डाली हम ओकरा पर। अब ओकरा से अपना बंदूक रख के तो ना बोल सके नहीं कि तू शादी करा। अच्छा ठीक बा, अब तू ही बतावा कि हम का करी। एकर भी पता ना कि हमार कितना मदद करी, केकरा से कहीं कि हमके हमार हीरो दिलवा दे। भैया ये प्लीज गाना चेंज कर दे, हमरा अच्छा ना लगा था। बात करी कि ना करी, कहीं ऐसे ना होकी कि नाराज हो जाए। सुनी? और सुना? ना रवा बोली। ना ना, तू बोला, तू कुछ बोलत रहनी। ना कुछ खास ना रह, रवा बोली ना। हम बस अंकुर के बारे में सोचत रहनी। हाँ तो पूछी ना। देखा हमने नेखे जानत कि अंकुर के बा और कहाँ से आयल बा। हो सका था वो अपन माँ के बारे में कहानी बना रहा लोके, ऐसे में ओकरा पर भरोसा कर जा सके। भरोसा की तो हमके नहीं की पता, बाकी हमके लागत बाकी के वो अपना माँ के लेके कहानी काहे बनाई। सची कहत होखी, ओइसे भी रउआ से एगो बात कहे के रहल। हमके लागत बा हमने के सब बात काका और काकी के बता देवे के चाही। ना ना, काका काकी के ना बतावे के चाही, कहे कि जब तक सब क्लियर ना हो जाला हो सकेला हमने के शक भी गलत होखे। अरे भाई साहब कहनी ना गाना बंद करे खातिर, रउआ भी का पास रे, मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले। जब भी कहत बाड़े तो बंद कर दी ना, इनके पसंद नहीं क्या रहा। माते संतोषी पुनः सत्य के मार्ग पर चलल आरंभ कर दी है लस। प्रतीत हो खतबा, अब ओके अपना पति के प्रेम मिल जाए। गौ माता, संतोषी के सत्य के मार्ग पर यात्रा अभी आरंभ भइल बा। यदि ऊ बिना भटके ए मार्ग पर चलत रहल त सत्य के बल पर ऊ अपना पति के हृदय में स्थान अवश्य बनाई। हमके स्वर्ण रेखा के लगे जाके ओकर मनोबल बढ़ावे के चाही। प्रणाम देवी स्वर्ण रेखा, रघुआ आपन दंड पूरा श्रद्धा के संगे संपूर्ण कैले बानी। ई देख के हम अत्याधिक प्रसन्न बानी। हम कामना करत बानी कि भविष्य में रघुआ देव लोक में उचित स्थान प्राप्त करी, साथ ही इंद्रदेव के संगे प्रणय बंधन में भी बन जाए। अब हम प्रस्थान करत बानी। प्रणाम देवी।
देवी संतोषी। रउआ निश्चिंत रही, हम आपन स्थान निश्चित पाके रह और अपना अपमान के प्रति शोध उत हम शीघ्र ही ले। देवी, राउर बतावल रास्ता पे चले के बाद भी हमके सफलता ना मिलल, हम तो झूठ के भी सहारा लीनी, बाकी कोनो बात ना बनल। हमार मदद करी देवी, हमार मदद करी, कैसे भी करके हमके हमार हीरो से मिलवा दी। बस रउआ, रउआ ही हमारा आखिरी उम्मीद बानी। सिंदूरी, हम तुहार सहायता अवश्य करब, बस एक बार देवराज इंद्र आ जाए, फिर हम अपना सब बंधन से मुक्त हो जाए। हम जानत बानी कि रउआ अपन सच्चा भक्त के साथ जरूर देव, हमार रउआ पर अटूट विश्वास बा। बाकी देवी, देर मत करब, ना तो उस संतोषी हमेशा हमेशा खातिर हमरा हीरो के हमसे छीन ली। हम ऐसन कदापि ना होखे देव, कहे कि तोहरे जैसन संतोषी हमार भी शत्रु बिया, कहे कि ऊ देवी संतोषी के भक्त बिया। तू निश्चिंत रहा। का भाई, भाई साहब? अरे साहब, तनी धक्का मार दी ना साहब। धक्का भाई साहब, एक तो वैसे लेट हो रहा बा, राउर रिक्शा में और लेट हो गई नी, अब राउर गाड़ी बंद हो गई, धक्का भी मारी हमने दूसरा रिक्शा ले लो, सॉरी ना चाहिए तो रिक्शा। अरे साहब, तो नहीं धक्का मार दी ना साहब, गाड़ी बंद पड़ गई बा। ई का करत आड़ो संतोषी? तक का करी, हम धक्का ना लगाए तो ये सुनसान रास्ता पर और के धक्का लगाए। ला और पसीना पोछ लो। अब तो खड़ा खड़ा मार मुंह का देखा था, पसीना पोछा और अंदर जाके बैठा। अब खड़ा का बड़ू बैठा अंदर, चला चला भाई साहब। का रउआ कितना भी उखड़ल रही हमसे, बाकी राव राख में हमरा खातिर प्यार देखी जाले। भैया, ओ गाना बजाए ना जो अभी बजत रहा।
गुट्टू जी, रउआ बहुत दर्द हो रहा होगी ना? अरे शर्मिली पूछा मत, बहुत दर्द हो रहा बा यार। इतना रात में हमनी के घर पे गाड़ी से क्या आई बा शर्मिली? हमार स्वीटी मैडम आई लोखी है, हम देख क्या होत बनी। आराम से, स्वीटी मैडम रहुआ। उ तो हम यहाँ से गुजरात रहने तो सोचने की हम तो से मिलत चली। बहुत अच्छा कहनी रहुआ। वैसे गुड्डू अब हमके पता चलल बा कि तोहार घर वाला तोहार बहुते पिटाई कैले बाड़े। आई नो ई सब हमरा वजह से भइल बा। ना हम तोहके पेपर देते साइन करे खातिर और ना तोहारी हाल होखत। आई एम रियली वेरी सॉरी गुड्डू। अब काहे कि एक के चोट हमरा वजह से लागल बा ते इलाज के खर्चा भी हम ही उठाई। शाबाश। बतावा गुड्डू कहां कहां चोट लागल बा तोके? हां हम बतावत बानी ना। अब देखी कनी एक कंधा में चोट लागल बा और देखी हाथ में भी कहीं से लग गइल बा और चेहरा में भी चोट आइल बा और कमर में भी लागल बा। हां देखिए और पैर तो समझी कि बस टूटत टूटत बचल बा। हमार लाल एकदम चटनी बन गइल बा। अरे माधुरी एको बात बताई, तू तो कमाल के एक्टिंग करेलू सच। हाँ एको काम करा, ऐसा एक्टिंग करत रहबू तो 2-3 हजार और मिल जाई। लागल रहा। हाँ। फिर तो हमके भी तो चोट लागल बा। अब मैडम जी रउआ बस इनकर चोट देख रहल बानी। हाय रैया बहुरानी, इस सब जौन हो रहल बा ना फसाद ओकर जड़ तू ही तो बाड़ो, तो तू तो अपन मुंह बंद रख। हमार तनी सब भला हो रहल बा, उदो से देख लेके जा रहल का। इसे चुपचाप बैठ जा। चलो चलो हम तो के हॉस्पिटल ले चलत बानी। चलो वो टी-शर्ट शर्ट ले ली। आराम से। गुड्डू जी रोकी, हमके भी तो चोट लागल बा, फिर मैडम जी बस रउआ के अस्पताल काहे लेके जा रहल बाड़ी? उस शर्मिली हम इनकर एम्प्लॉय बानी ना, तू तो इनकर एम्प्लॉय बाड़ू ना, तो हमार ही इलाज करवाई है ना। तू बैठा आराम से, हम इलाज करवा के आवत बानी। हाँ बाकी जाई रउआ, जदि हमके रउर तनखा के मुँह ना होखत ना तो मैडम के अच्छा से बतेती कि हम के बानी। अरे देखा बेटा, अब जौन हो गेलू हो गेल, अब संतोषी के माफ कर देना बेटा। काका। हाँ। अरे वाह, आज से हम 16 शुक्रवार के व्रत शुरू कर रहल बानी। अच्छा अच्छा अच्छा, उम्मीद बा व्रत अच्छा से हो जाए। देखी ना, आज पहला शुक्रवार के दिन जन्माष्टमी के दिन ही पड़ल बा, तब व्रत अच्छा से पूरा होखी बा ना। अरे बेटी, जौन लगन और जौन भाव से तू हर काम शुरू करेलू, हमके पूरा विश्वास रहला कि वो काम सफल होके ही रही। काका ये प्रसाद प्रसाद धैर्य सर के दे दी। अरे बेटी तू खुद दे। हमरा हाथ से शायद धैर्य सर के प्रसाद लेहल अच्छा ना लगे। देखा बेटा, तोहके अपन पत्नी पर गर्व होके के चाहे बेटा कि तोहके संतोषी जैसन पत्नी मिलल। 16 शुक्रवार के उपरत रख रहल भी तोरा खातिर। काका आज जन्माष्टमी के व्रत रखब का? अरे हाँ, हम और तुहार काकी भी तोरा साथे व्रत रखब भाई। बेटा तू भी हमनी सब के संगे व्रत रखब ना बेटा? ना पापा, हमरा से सब ना होके प्लीज। बेटा एक दिन के तो बात बा, तू उपवास करके तो देखा। अरे तो के अच्छा लगी बेटा। अच्छा ठीक बा रउआ कहता, नहीं तो
हमू रख लेता नहीं। ई भइल ना बात। हीरो के चक्कर में का करे के पड़ेला। एक्सक्यूज मी, रउआ धैर्य जी के बुला सके नहीं प्लीज? तू यहाँ पर का कर रहा बाड़े? तू क्या होखेलू पूछे वाला? ठीक चुपचाप। सिंदूरी सिंदूरी हमारे कॉफी लेके काहे ना आईलू अब तक? इके बा और बिना इजाजत अंदर कैसे आईल? भैया एकर नाम अंकुर बा। और एकरा के हम काम पर रख ले बानी। एक्चुअली एगो नया प्रोजेक्ट चालू कर ले बानी है, वही के डिजाइनिंग जोन बा अंकुर कर रहल बा। जा कॉफी लेके आवा सिंदूरी। ऐसन कहे लग रहा बा जैसे हम कहीं इनके दिखले बानी। सिंदूरी अंकुर के गेस्ट रूम में लेके जा। तू हमारा साथ चला, तोरा से जरूरी बात करे के बाद। जी अंग्रेजी ना आवेला बाकी लैपटॉप चलावे आवेला। पहले से ना आवत रहल, काका के कहे से तीनों भैया से सीख ले बानी फोन पर। चल अंदर। तू यहाँ का कर रहा बाड़े? और यह सवाल हम तोहसे पूछत बानी कि तू यहाँ का करत बाड़ू? और धैर्य के भाई तोके कैसे जानेला? देख एगो लड़की के जिंदगी में ना अच्छा परिवार होकल बहुत जरूरी बा, और वो परिवार हमके यहाँ मिल गईल बा, यही से हम यहाँ बानी। मतलब? मतलब हम एक घर के बहू बने वाला बानी। अरे पागल हो गए बड़ी लड़की, एकर दिमाग खराब हो गया बा। और तू कहे इतना परेशान होता? देखा हम कुछ हिडन कैमरा लगवा दे ले बानी, ऐसे हमनी नजर रख सके नहीं सिंदूरी पर, अंकुर पर, प्रताप भैया पर, कि वो लोग का करत आड़न का। तोहके का लागत बा तू अपन गोल गोल बात में हमके फंसा लेबू? हाँ हम दोबारा तोहसे पूछ रहल बानी, हमार माँ के कातिल के बा प्लीज हमके बता दा। ना बताए का कर लेबे? हम बहुत कुछ कर सके नहीं, देखे के बा। बहुत हो गई तोहार नाटक, यदि आज तू हमके सच्चाई ना बतौलू ना तो हम अपन मरल माँ की कसम खा के बतावत बनी हम तोके जान से मार देव। तोहरा खातिर हमार माँ के जान के कोनो कीमत नहीं है ना, तो फिर अपन कीमती जान के भी भूल जा।
अंकुर जी के रुके के होके रुका कहीं ऊपर गोली ना चल कुछ ना होगी कुछ ना होगी हो सकेला दबाव में आके सिंदूरी अपन मुंह खोल दे और सब कुछ बता दे ओके तोके का लागत बा तू यहाँ झूठा नौकरी के बहाने ए घर में आई बे और हमके बेवकूफ बना ले बे और बहुत शौक बा ना गोली चलावे के ता ठीक बा चला गोली चला दरे से रवा समझत नहीं की गुस्सा में वो गोली चला सकेला डोंट वरी रिलैक्स कुछ ना होगी तो के कहावत पता बा जौन बादल गरजे ले ऊपर से लेना चला गोली अरे सोच का रहल बाड़े चला ना देख का रहल बाड़े गोली चला देख का रहल बाड़े चला ना गोली अरे चला ना पता बा का बा कबो कबो जौन बादल गरजे ले ना तौन बरस भी जाले हम तो के 2 दिन के वक्त दे पानी सिर्फ 2 दिन ए बीच जदी तू हमके सच्चाई ना बतौलू तो अगला बार हम अपन बंदूक खाली ना रखब आई प्रॉमिस दैट नाउ गेट आउट जदी बंदूक में गोली होखत गुस्सा में चला देले होखत तो रउआ अंकुर जी के गोली चलावे खातिर ना कहे के चाहत रहल हमरा पता रहे में गोली ना रहे से हम कर ले रहनी बाकी तू टेंशन मत ला हम अगला बार कह देव कि अंकुर गन लेके ना जाए ठीक बा जे रोवा ता हमके डरा ही देले रहनी सच्ची में सॉरी संतोषी जी एक्चुअली हमके लागा रहल की बंदूक देख के वो डर जाई और सच बता दी ही बाकी सिंदूरी बहुत सातिर भी है इतना आसानी से कुछ नहीं के बोले वाली कुछ और प्लान सोचे ही के पड़ी लेकिन आज के ड्रामा के बाद हमरा लगा था कि थोड़ा ता असर भइल होखी ओकरा पर अब वो तो हर बात के सीरियसली ली यू आर राइट और हाँ कोशिश करिए कि मौका मिलते ही प्रताप भैया से तो और कुछ बात हो जाए ठीक बा ऐसे कैसे हो सकेला रवा बिना चाय नाश्ता केले चल जाए पहला बार घरे आल बनी कुछ तो खाए की पड़ी ना रवा कहीं ना कुछ वाह रे वाह पति होके तो तोहरा जैसन अब तक ए नौकरानी के नखरा छिलत रहला और अब एकर ही प्रेमी के अपन दोस्त बना लेला ए भी ना सोचला कि इहे उ लइका बा जेसे संतोषी छुप छुप के मिले ले और संतोषी तोहार हिम्मत के तो दांत देवे के पड़ी बाहर के दुनिया का कम रहल जे एक ही घर पर बुला लेलू धैर्य हम फिर से कहत बानी ए लोग के झूठा चक्कर में मत फंसा नुकसान तुहार ही होगी भाभी रवा कंसर्ट खातिर थैंक्स बाकी हम बेवकूफ नहीं खी
हमरा के संतोषी पहले बता दे रहे कि अंकुर ओकर बचपन के दोस्त बा। ओ, तो तू एके माफ कर देला। माफ ना के लिए बनी, सही के साथ देता नहीं। वैसे रहुआ कि अंकुर से प्रॉब्लम का बा? हमके प्रॉब्लम ई बा कि ए लड़का के कैरेक्टर ठीक नहीं है। एकल सिंदूरी के छेड़लस। का करल बनी रुआ? एक मिनट। और हम एकर बात मान ले, ये काले हमरा पर भी इल्जाम लगे ले रहे। तो ठीक बात है रे, तू ऐसे मिला। बाकी एक ही घर पर लावे की का जरूरत बा? कहे कि भाभी हम एकरा नौकरी पर रख ले बने। जी हाँ, और ये गेस्ट हाउस आज से हमारे नया ऑफिस है। अगर रुआ के परेशानी बात है, हम रुआ के बता देता नहीं कि ये घर पर हक हमार भी बा। आज से गेस्ट हाउस हमारा ऑफिस बा, अंकुर यहाँ रही और काम भी करी। अंकुर फाइल चेक कर, सब कुछ ठीक बा? फाइल? हाँ हाँ, फाइल में प्रॉब्लम बा, बाकी हम ठीक कर दे। देखा, सिंदूरी से बहुत बच कर रह के पड़ी। और हाँ, आगे का करे के बा वो प्लान कर जा, लेकिन उससे पहले संतोषी बहुत भूख लगा, प्लीज यार कुछ खाए के ले आवा। हाँ भेजवा तो देब, बाकी काका रवा के व्रत रखे के कहले बाड़े ना। हाँ यार, हम तो भुलाइए गे नहीं। हाँ ओ, कनो बता, तू अंकुर के कुछ खाए के ले आवा। हाँ हाँ, भेजत बानी ना, पुष्पा जी से भिजवावत बानी उकाबा की काका हमके पूजा के तैयारी करे खातिर कहले बाड़े। नारायण नारायण। प्रणाम माता। प्रणाम गौ माता। माता देख रहल बानी ना माता कि पृथ्वी लोक पर का हो रहल बा, प्रतीत होखत बा ई मनुष्यन के मध्य कौनो न कौनो रहस्य अवश्य बा माता, अवश्य। नारायण नारायण। एही से ता संतोषी सत्य ज्ञात करे के प्रयास कर रहल बिया देवर्षि। सत्य के पता कैला के पश्चात ही उस सिंदूरी के अपना जीवन से दूर कर पाई और अपना संबंध के पुनः स्थापित कर पाई। नारायण नारायण। किंतु माता कहीं ऐसा न होके कि सत्य के पता लगावत लगावत स्वयं संतोषी कष्ट में ना पड़ जाए माता। देवर्षि, सत्य के मार्ग कठिन अवश्य हो खेला, बाकी सत्य के मार्ग पर जे अड़िग रहेला ओके ओकरा लक्ष्य से केहूं हटा ना सकेला। हमके पूरा विश्वास बा कि संतोषी ई कार्य कर ली। माते, आज जन्माष्टमी के दिन रवा संतोषी के आशीर्वाद ना दे? गौ माता, ए बार हम ना केहूं और संतोषी के आशीर्वाद दी। के माते? उहे जे बाड़े सबसे नटखट। सबसे तेजस्वी उ जेकर लीला अपना आप में अनोखी। और उ जिनकर मुरली के धुन से संपूर्ण मथुरा और वृंदावन झूमे लागेला। कितना सुरीला बांसुरी बा, एकदम मन के मोह लेबे वाला।
जी।